Assalamu alaikum. A very happy, lovely morning. Dear students, how are you all? Fine. Wow. You all are looking so fresh. भाई ये बताइए क्या कर रहे थे आप लोग? Playing. खेल रहे थे आप लोग? अरे भाई अब तो study time है. Mood बन रहा है आप लोग का study का? नहीं बन रहा. अच्छा भाई ऐसा करते हैं हम थोड़ा सा सिर्फ डिस्कशन करते हैं. ओनली डिस्कशन. ओके वेरी गुड. अच्छा प्यारे बच्चों ये बताइए ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये एक सॉलिड शेप है. इजंट इट? सॉलिड शेप है. और सॉलिड शेप कौन से होते हैं हमने डिस्कस किया था. भाई सॉलिड शेप वो होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं और नेचुरली उनके एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद होती हैं. इजंट इट? याद आया आप लोगों को? अच्छा अब ये पायरामिड शेप है. कौन सा है? पायरामिड शेप. और आपको पता है पायरामिड की हमारे पास नेचुरली कौन सी एग्जाम्पल है? भाई हमारे पास माउंटेन्स हैं. और आपको पता है एक बहुत पुराना शहर है इजिप्ट. आपको पता है इजिप्ट में बहुत बड़े बड़े पायरामिड्स बने हुए हैं. जब हम ऐसा करेंगे कि उनकी पिक्चर्स देखेंगे ठीक है. अच्छा आपको पता है जब आप उनकी पिक्चर देखेंगे तो उसमें आपको वो पायरामिड शेप के नज़र आएंगे. अच्छा आपको पता है और पायरामिड की क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं? भाई हमारे पास रेजर्स हो सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर हम रेजर्स भी ले सकते हैं ठीक है. चलें अब हम ऐसा करते हैं बुक के पेज की तरफ चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या बताया जा रहा है ठीक है. चलें देखते हैं इस पिक्चर में हमें क्या नज़र आ रहा है. भाई मुझे तो इस पिक्चर में अहमद नज़र आ रहे हैं. जी हाँ और किटन भी मौजूद हैं. देखें किटन भी हैं. और ये सब क्या कर रहे हैं? भाई ये लोग तो ऐसा लग रहा है कि लोग कोई बीच किनारे पर हैं जहाँ पर देखें माउंटेन्स भी नज़र आ रहे हैं ट्रीज भी नज़र आ रहे हैं. इजंट इट? है ना कुछ ऐसा ही लग रहा है कि लोग बीच में कहीं गए हुए हैं. चलें ऐसा करते हैं इसकी स्टोरी सुनते हैं तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं. चलें अब मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाती हूँ. ओके बटरफ्लाई यूज्ड टू लिव इन अ पायरामिड हाउस. वन डे शी थ्रू अ थीम पार्टी. वाओ भाई पार्टी में तो हम बहुत इंजॉय करते हैं. शी आस्क्ड हर फ्रेंड्स टू ब्रिंग थिंग्स इन अ पायरामिड शेप. अहमद ब्रॉट अ टॉय ऑफ पायरामिड. ज़ेब्रा ब्रॉट अ पायरामिड लैम्प. किटन ब्रॉट सम पायरामिड शेप कैंडल्स. ज़ेब्रा लाइट द कैंडल्स. बटरफ्लाई सर्व्ड हर फ्रेंड्स द पायरामिड चीज स्लाइस. वाओ यम्मी. वाओ वेरी यम्मी. एंड डू यू नो अ रैट आल्सो केम देयर टू ईट चीज. आपको पता है रैट को तो चीज बहुत पसंद होती है तो रैट भी वहां आ गए थे. हिज फेस वॉज लाइक अ पायरामिड टू. एट द एंड ऑफ द पार्टी दे ऑल सॉन्ग अ हैप्पी सॉन्ग. कॉनिकल कॉनिकल पायरामिड. कॉनिकल कॉनिकल पायरामिड. अहमद इज अ नॉटी किट. अहमद इज अ नॉटी किट. ही कलेक्ट्स कॉनिकल थिंग्स. ही कलेक्ट कॉनिकल थिंग्स टू बिल्ड अ पायरामिड. टू बिल्ड अ पायरामिड. वाओ कितनी अच्छी स्टोरी थी. भाई बटरफ्लाई जो थी उनका हाउस कैसा था? पायरामिड शेप में था.
और क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि आज हम एक थीम पार्टी अरेंज करते हैं। उन्होंने अपने तमाम फ्रेंड्स को इनवाइट किया और आपको पता है उन्होंने कहा क्या कहा था अपने फ्रेंड से कि आप पायरामिड चीज़ें लेके आइएगा जो पायरामिड शेप में मौजूद होती हैं। तो उनके फ्रेंड्स क्या क्या लेकर आए, भाई अहमद तो टॉयज लेकर आए थे, और क्या लाए थे, जेब्रा लैंप लेकर आए थे, वाव, और किटन क्या लाई थी भाई, किटन कैंडल्स लेके आई थी, जेब्रा ने कैंडल्स जलाई थी। और फिर क्या हुआ था, बटरफ्लाई ने उन्हें क्या सर्व किया था भाई, आप लोगों के फेवरेट चीज स्लाइसेस, वाव, चीज स्लाइसेस देखा है ना आप लोगों ने, पायरामिड शेप के होते हैं और आपको पता है चीज स्लाइसेस तो रेड को भी बहुत पसंद होते हैं। अच्छा बच्चों, आपने रेड का शेप देखा है कैसा होता है, फेस का शेप वो भी पायरामिड की तरह होता है। और भाई उन्हें तो खुशबू आ गई और वो जल्दी से चीज स्लाइस खाने के लिए आ गए। और फिर क्या हुआ भाई, सब बहुत खुश होकर एंजॉय करने लगे। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरीके से अभी आप लोगों ने एंजॉय किया, स्टोरी किया है ना। अब प्यारे बच्चों चले भाई, आपका मूड नहीं था तो हम बस थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, बस आपने थोड़ा सा छोटा सा काम करना है। क्या करना है आपने, इस पिक्चर में अच्छी सी कलरफुल सी यानी कलरिंग करनी है, करेंगे ना आप लोग। और क्या करेंगे भाई, अपनी टीचर से आप पायरामिड शेप को डिस्कस करेंगे, उन्हें कलरिंग शो करेंगे और क्या करेंगे, पायरामिड ऑब्जेक्ट कलेक्ट करके अपनी टीचर को शो करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे भाई, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।